मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग के रोड शो में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मंत्री हरदीप सिंह डंग के रोड शो में कांग्रेसी पहुंचे, काले झंडे दिखाए और काले मास्क पहनकर विरोध जताया। मंदसौर पहुंचे मंत्री हरदीप सिंह डंग के रोड शो में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। काले झंडे दिखाकर और काला मास्क पहनकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या हुआ था ये पूरा घटनाक्रम? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग है, वे लगातार अपने उपचुनाव को लेकर दौरे पर लगे हुए हैं और कल जिस तरह से सुबह से उनका दौरा लगातार अलग अलग गाँव में था, देर रात ये दौरा उनका शामगढ़ में शुरू हुआ था और यहाँ ये रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने हरदीप सिंह डंग के काफिले को काले झंडे बताए हैं, वे काले मास्क भी पहनकर आए थे और जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात थोड़ी देर पता चली कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं, तो वे दोनों दल के जो कार्यकर्ता है आमने सामने हो गए थे। इस बीच में पुलिस पहुंची थी और दोनों जो कार्यकर्ता थे उनको समझाइश दी गई थी। बाद में जब स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज का हल्का बल प्रयोग भी किया है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो काले झंडे दिखा रहे थे उन्हें खदेड़ने की कोशिश की है। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया है और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में जो हरीश सिंह डग का जो रोड शो था उसे पूरा करवाया। जी शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।